नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी LIC कंपनी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी LIC के शेयर में पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके शेयर 27 फरवरी को 566 रुपए के रिकॉर्ड लो लेवल तक पहुंच गए थे। हालांकि इस लेवल से ये शेयर तकरीबन 10% ऊपर आ चुका है। वहीं मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक ये शेयर अभी और ऊपर जाएगा। दोस्तों, ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक ये शेयर 640 रुपए के लेवल तक जा सकता है। वहीं सपोर्ट की बात करें तो इस शेयर का सपोर्ट 586, फिर 571, फिर उसके बाद 562 रुपए के आसपास होगा। दोस्तों, LIC ने पिछले 9 महीने में 6 नए नॉन यूलिप प्रोडक्ट पेश किए हैं और LIC का बैंक का इंश्योरेंस चैनल ईयरली बेसिस पर 48% बढ़ गया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि एजेंट की प्रोडक्टिविटी में सुधार देख सकता है। ऐसे में ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि ये शेयर 770 रुपए के टारगेट तक जा सकता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मौजूदा लेवल से करीबन आपको इस शेयर में 28% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। दोस्तों, LIC के मार्केट में लास्ट ईयर 17 मई 2022 को एंट्री हुई थी। दोस्तों, LIC का इशू प्राइस 949 रुपए था, लेकिन आज तक ये शेयर इस लेवल पर नहीं पहुंच सका है। इसके शेयर अधिकतम 920 रुपए के लेवल तक ही पहुंच सके हैं, जो इसके लिस्टिंग के दिन ही छू लिया था। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस लेवल को LIC पार कर पाएगा या फिर नहीं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसके शेयर में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। हालांकि अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।